आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस के लिए शानदार शुरुआत नहीं हुई है। रविवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को मात दी, लेकिन इसके बाद एक और झटका भी लगा। मुंबई इंडियंस पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया। कप्तान रोहित शर्मा पर 12 लाख रुपए का फाइन लगा है। आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने स्लो ओवर रेट में बॉलिंग की, ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम पर जुर्माना लगाया जा रहा है। नियम के मुताबिक अगर किसी टीम द्वारा स्लो ओवर रेट किया जाता है तो कप्तान पर भी जुर्माना लगता है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस सीजन में पहले ही मैच में मिली हार के बाद मुंबई इंडियंस के लिए दूसरा बड़ा झटका है। आपको बता दें कि मैच के दौरान सभी टीमों को एक तय समय के अंदर अपने कोटे के 20 ओवर पूरे करने होते हैं। ऐसा ना होने की वजह से ही स्लो ओवर रेट के तहत जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार होने पर मैच फीस काटी जाती है। अगर टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस द्वारा फिर से ये गलती दोहराई जाती है तो बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 का स्कोर खड़ा किया था। ईशान किशन ने 81, रोहित शर्मा ने 41 रनों की पारी खेली। हालांकि मुंबई को यह बड़ा स्कोर नहीं बचा पाया। दिल्ली कैपिटल्स के आखिर में जाकर जबरदस्त बल्लेबाजी की अक्षर पटेल, ललित यादव की धुआंधार पारी के दम पर दिल्ली की टीम जीत गई। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।